गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेस्टेड इन्वेस्टर। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है और मार्केट से कंटिन्यूअसली पैसा कमा रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो हमने शेयर किया था, यहां पे कवर किया था और 3-4 महीने के अंदर हमें ये टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। उसमें से पहला स्टॉक है इप्का लैब, ये कहीं पे 1100 के आसपास में शेयर किया था, यहां से लगभग 45-50% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। मैंने तब आपके साथ शेयर किया था जो टारगेट था हमारा 1575, आज ये टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जिन्होंने भी पोजिशन बनाया होगा लालच ना करते हुए पोजिशन से एग्जिट कर सकते हैं। डिविस लैब की बात करें, डिविस लैब हम काफी लोअर लेवल से लगभग 4400-4500 के आसपास से यहाँ 61.8% से हम शेयर करते आ रहे हैं। कभी इंट्राडे में शेयर किया, कभी कुछ, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि डिविस लैब क्यों, डॉक्टर रेड्डी क्यों नहीं, तो मैंने वहां पे बताया था क्योंकि कहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 4400 के आसपास में स्टॉक को यहाँ पे बाई किया था, टारगेट के पास है ये भी आपका, मेरे ख्याल से कल या परसों एक दो दिन तीन दिन में ये टारगेट 127% 6146 भी हमें अचीव होता हुआ दिख सकता है, तो ये भी टारगेट के पास में है। थर्ड स्टॉक की बात करें कोफोर्ज, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हम बिल्कुल टारगेट के पास है और हमेशा ऊपर का 1-2% है ना गरीबों के लिए छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे आके बाई करेंगे, तो बेटर ये है कि आपको लिक्विडिटी कहाँ मिल रहा है, आप अपने पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं 1-2-3% के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोफोर्ज की, तो ये भी टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी पोजीशन से एग्जिट किया जा सकता है। बात करें अगर सिम्फनी की, सिम्फनी कल भी आपके साथ कल के वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हमें काफी मैसिव मूव देखने को मिला और आज आपका ये भी टारगेट के पास में खड़ा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा 1-2% गरीबों के लिए छोड़ दीजिए और यहाँ पे भी हम पोजीशन को बुक करके चल सकते हैं। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, पोजिशनली अगर आपने रखा है तो आप आराम से रख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सिम्फनी के अंदर आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे मिनिमम 2800 का टारगेट और देन आफ्टर फाइनली यहाँ पे 4000 तक का टारगेट इंटैक्ट है, तो हम रख सकते हैं। कैपिटल गुड्स शेयर काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी अच्छे चल रहे हैं, तो आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छा हायर हाई हायर लो का पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे दिखेगा और ये पैटर्न कंटिन्यूअसली कंटिन्यू होते जा रहा है, तो पोजिशनली पोर्टफोलियो में हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें कल के लिए कौन से स्टॉक्स में हम पोजीशन बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं यहां पे जो भी स्टॉक शेयर करता हूं या फिर इंडेक्स पे अपना व्यू शेयर करता हूं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं, आपका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तो आप अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना चाहता हूँ कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए, समझिए, इसके बाद आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट होइए कि कल होके आपको मेरे पे भी रिलाय करने की जरूरत ना हो, आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप इतना स्मार्ट बनिए। तो मैं रिटेल ट्रेडर को इम्पावर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें एक ना एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। मेरे को काफी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैंने स्कॉट्स यहाँ पे शेयर किया था, अगर आपको याद होगा तो कुछ बंदों ने मुझसे स्कॉट्स के लिए पूछा था, मैंने स्कॉट्स यहाँ पे शेयर किया था कि हम स्कॉट्स को यहाँ पे बाई कर के चल सकते हैं 38% के आसपास में, जब ये चल रहा था यहाँ से हमें आपका ये 4400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 2 या 3 दिन थोड़ा प्राइस नीचे आया, मेरे पास कमेंट आने लगे सर ये कितने दिन में आएगा। यार मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से मुझे सपोर्ट लग रहा है, यहाँ से बाउंस हो सकता है। मैं खुद ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेड नहीं करता हूँ, कॉल पुट नहीं करता हूँ, तो मुझे भी अगर ये बाई करना होता है तो मैं यहाँ पे पूरा मार्जिन देके डिलीवरी उठाता हूँ, तो मैं चैन की नींद सो पाता हूँ, आराम से रखता हूँ। हो सकता है मैं यहाँ खरीदूँ और नीचे आ जाए, मेरे पास पैसा होगा मैं और ऐड करूंगा, नहीं मेरा पोजीशन फंसेगा तो मैं वेट करूंगा, बट मुझे अपने एनालिसिस पे कन्विक्शन होता है कि हाँ अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बना रहा हूँ तो ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, इधर ही कहीं पे बॉटम ये क्रिएट करके बाउंस कर जाना चाहिए। अगर कोई टीवी चैनल, कोई टीवी एंकर आपको ये टारगेट देगा यहाँ से 700 रुपए का, तो वो यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करता है कि आप इसको पोजिशनली बाई कीजिए, टाइम फ्रेम 1 से 2 साल के लिए, आप वहां पे कंफर्टेबल है। बट अगर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं और तो आप उससे बार बार पोक करके पूछना चाहते हैं कि सर ये टारगेट कितने दिन में आ जाएगा, यार बेटर आप वो सेबी रजिस्टर्ड भी है, आप उनको फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा है उस केस में, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है ना। आप ये लोग दो साल तक आराम से बैठो, भले आपका टारगेट महीने में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, बट आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी पे इतना प्रेशर बनाना सही नहीं है। तो मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ, मैं अपने तरफ से जो बेस्ट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी डिपेंड करता है, मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, कभी वो टारगेट एक दिन में आ जाता है जैसे सिम्फनी के केस में देखें, एक दिन में आ गया, कभी ऐसा होता है कि
आपका महीना भी लग जाता है, 6 महीना भी लग जाता है, बट हम बात करें 40-50% के रिटर्न की, तो 40-50% का रिटर्न एक दिन में नहीं आता, हलवा नहीं है ये, यहाँ पे टाइम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम SBI कार्ड्स की बात करें तो इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के डाला हुआ आपके साथ। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये वीडियो मैंने करीबन 2-3 महीना पहले बना के डाला और प्राइस अभी भी वहीं पे आपका हॉवर कर रहा है, तो काफी लोग यहाँ पे भी पैनिक कर रहे होंगे। एक भाई ने मुझसे रैमको सीमेंट पे पूछ लिया कि सर 860 पे ही कर रहा है। भैया ऑप्शन खरीदोगे तो डर है, फ्यूचर खरीदोगे डर है, डिलीवरी लेके बैठोगे तो टारगेट जरूर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें SBI कार्ड्स की, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा कि जनरली जब भी यहाँ पे एक अपमूव आता है SBI कार्ड्स के अंदर में, ये आने के बाद यहाँ पे ये एक ट्रिपल करेक्शन का नेचर बनाता है। यहाँ पे देखिए तो वेव डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ, ABC, यहाँ पे वेव एक्स का और यहाँ पे वेव वाई का फॉर्मेशन करके फिर हमें ये बाउंस देखने को मिला। अगर हम अब यहाँ पे इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ से आपको सेम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक का लो डालेंगे 127% है। तो अगर हम यहाँ सॉरी ये 127% नहीं है, तो अगर हम देखें तो ये ABC, ये W का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ABC X का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे बोल सकते हैं कि ABC मिला के ए का फॉर्मेशन, यहाँ पे वेव बी का फॉर्मेशन और यहाँ पे आपको 5 मूव में वेव सी का फॉर्मेशन होकर यहाँ पे वाई का फॉर्मेशन, सेम पैटर्न जो मैंने इधर डिस्कस किया वही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस और इंडिकेटर को अगर हम देखें तो यहाँ प्राइस और इंडिकेटर भी हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे आपका ये सजेशन नहीं दे रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। बट हाँ यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक शार्प यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रहा था, एक पुल बैक है, इट मींस कि एक डाउनसाइड हमें आता हुआ दिख सकता है। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी डिप मिलता है, यहाँ पे डिप मिलने के बाद ये डबल बॉटम, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा बेस क्रिएट करके यहाँ से ब्रेक नहीं कर रहा, 50% को होल्ड कर रहा है और यहाँ से बाउंस कर रहा है, मतलब कि अगर ये स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तो हम पोजिशन बना के चल सकते हैं। यहाँ से हमें फिर लाइक क्योंकि ये ट्रिपल करेक्शन आपका डबल करेक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इस स्विंग हाई से और इस स्विंग लो का फिबो डालेंगे, जो हम टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे, पहला टारगेट 61.8% और फाइनली यहाँ पे 835 के लिए। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग टाइप का पोजीशन हम यहाँ पे बना के चल सकते हैं जो हमें देखने को मिल सकता है। क्रॉम्पटन की बात करें, मैंने कल भी आपके साथ कवर किया था, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो प्राइस है ये कंटिन्यूअसली ऊपर को शिफ्ट कर रहा है। ये जो रीडिंग है मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे की हुई है, मैंने आपको कल भी दिखाया था कि यहाँ पे ये वेव फोर्थ का फॉर्मेशन करके अब ये वेव फिफ्थ के अंदर में चल रहा है। वेव फिफ्थ में बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेव वन का फॉर्मेशन हुआ ABC, यहाँ पे वेव टू का फॉर्मेशन, ये वेव थ्री का फॉर्मेशन चल रहा है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो प्राइस है ये लोअर लो में आ रहा था, बट अब ये लो ऊपर को शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया और हायर हाई में भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो कल अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है, या फिर कोई डिप मिलता है तो सारा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टारगेट मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था कि यहाँ पे 127% का जो टारगेट है, जो कि वेव फिफ्थ का टारगेट होना चाहिए 583, यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है क्रॉम्पटन ग्रिप्स के अंदर, क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर के अंदर में। गोदरेज कंज्यूमर मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको एक करेक्शन का पैटर्न देखने को मिलेगा, ये फ्लैट करेक्शन का नेचर है। यहाँ पे वेव ए का फॉर्मेशन हुआ, मैंने आपके साथ ये स्टॉक पहले भी शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आपको वेव बी का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा और यहाँ पे आपका वेव सी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वेव सी का जो जैसा मैंने आपके साथ बताया कि मिनिमम लेंथ जो होता है वो 61.8% होता है, जो आइडल लेंथ होता है वो आपका 161.8% तक वेव सी आ सकता है। तो कोई भी डिप यहाँ पे आता है, क्योंकि मैं लेवल पे बाई करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन को जनरली उतना मतलब वेटेज देता हूँ, बट जब इंडिकेटर साथ में नहीं होता तो मैं वेटेज देता हूँ, एल्स मैं लेवल पे बाई करता हूँ। और मैं क्योंकि डिलीवरी बाई करता हूँ तो मुझे इतना पता है कि यहाँ से ज़्यादा 4% और टूट जाएगा, मैं और थोड़ा पोजीशन ऐड कर दूंगा, बट मैं पैटर्न को कंफर्म करता हूँ और पैटर्न के साथ चलता हूँ। तो चाहे आपने जैसा कि एग्जांपल देखा कि हमारे सारे स्टॉक के एक एक करके टारगेट धीरे धीरे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बाई कर रहा हूँ 5% नीचे मिलेगा तो और ऐड कर सकता हूँ, अगर नहीं मिला तो ठीक है वेल एंड गुड, यहीं से हम बाई करेंगे, जो पोजीशन है उतना को लेके ही हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे अब करेक्शन ओवर होना चाहिए, क्योंकि ये अपने फाइनल लेंथ के आसपास में। तो कोई भी डिप मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो कंजर्वेटिव है यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन होने दे, जैसा कि मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर किया था, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। और इसके बाद जो टारगेट है, टारगेट हम यहाँ पे सिंपल है, आपको पता है कि हम टारगेट कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, ए से बी का लेंथ डालेंगे, मिनिमम 61 और आपका 127% फाइनल होगा।
बजाज फिनसर्व की बात करें तो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि ये पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा बैट है, इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं 1800 तक, इसके बाद यहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये सारे लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहे हो कि मैं किस टाइप से यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे अभी क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन ये बना हुआ है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 वेव ए का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे वेव बी का और यहाँ पे वेव सी का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब जिगजैग करेक्शन का नेचर दिख रहा है। प्लस अगर हम यहाँ पे इस लेंथ को प्रोजेक्ट करें मान लीजिए, तो ये करेक्शन भी आपका 61.8% का मिनिमम करेक्शन इसने पूरा करके फिर यहाँ से बाउंस करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है। तो बेस्ट क्या होगा कि आप यहाँ पे 20 बाई करके चल सकते हैं, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा दिखेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर नीचे आता है तो पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये वेव ए का फॉर्मेशन है, ये पूरा यहाँ पे वेव बी का फॉर्मेशन कर रहा है, और क्योंकि ये जिगजैग करेक्शन है तो हमें पता है कि ये 50% तक आ सकता है। अगर ये 61% के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इट मीन्स कि हम कन्फर्म हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट एक नया हाई मारने के लिए तैयार हो रहा है, और जैसा मैंने आपके साथ वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट शेयर किया हुआ, फिर हम वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे, उसके हिसाब से अपने एनालिसिस को बोल्ड कर लेंगे। बट अगर यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है तो हम पोजीशन बना सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आइडियली स्टॉप लॉस आपका ये बनता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम स्विंग का रखेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद फिर हम यहाँ से 50% और 61.8% के लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और इसके बाद अगर ये 61% के ऊपर ये होल्ड करता है तो हम पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 127% के लिए। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका वेव वन का फॉर्मेशन, टू का, ये थ्री का, ये फोर का, ये वेव फिफ्थ का, यहाँ पे आपका वेव बी का फॉर्मेशन हुआ, और हो सकता है कि ये आपका वेव सी का फॉर्मेशन हो। बट बाइंग के लिए क्या है, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर 38% के ऊपर ये ट्रेड करता है तो फिर हम पोजीशन बना सकते हैं। तो मान लीजिए कल अगर 38% के ऊपर आता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। हालांकि मार्केट किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो भर भर के खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ऊपर आता है तो फिर हम यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये स्विंग हाई से और ये स्विंग लो का फिगो डालेंगे। अगर ये 61.8%, क्योंकि ये जिगजैग का नेचर यहाँ पे बना रहा है, तो अगर मान लीजिए 61.8% को ब्रीच करता है जो कि 52.835 है, हम श्योर हो जाएंगे कि हमें यहाँ पे 55.621 देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे मान लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो हम पोजिशन को यहाँ पे अपना ऑफलोड भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे पोजिशन से। अगर बनाया तो हम थोड़ा हेज करके चलेंगे कि थोड़ा सेफ्टी भी रहना जरूरी है, मार्केट में हम पैसा कमाने के लिए बैठे, गंवाने के लिए नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो रीच है वो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दे सकूँ। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep learning and keep earning. Jai Siya Ram.